मीनाक्षी कुमारी, केपीएसपी हाई स्कूल गंगाधर सोनपुर साइन की विद्यार्थी हूँ। जिला स्तरीय 48वीं विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शनी, जिसका मुख्य विषय और प्रौद्योगिक और खिलौने और उप विषय पर्यावरण अनुकूल सामग्री है, जो हम लोगों ने अपनी गाइड शिक्षिका की सहायता से एक खेती की नई पत्ती एक्वापॉनिक फार्मिंग को तैयार किया है, जो प्लास्टिकी संतुलन पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक है। यह जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और खाद्य आपूर्ति और स्वरोजगार में भी काफ़ी सहायक है। एक्वापॉनिक फार्मिंग हाइड्रोपोनिक तथा एक्वा कल्चर का मिश्रित रूप है। इसमें 90% कम पानी का उपयोग होने के कारण यह जल संरक्षण के दृष्टिकोण से भी काफ़ी लाभदायक है। हमने फिश टैंक के लिए एक्वापॉनिक फार्मिंग का मॉडल तैयार करने के लिए एक फिश टैंक लिया है। फिश टैंक प्लास्टिक का डब्बा का है। छोटे छोटे कंकड़, मछली और कुएं का पानी का उपयोग किया है। बायोफिल्टर के सतह के तैयार करने के लिए कंकड़ और बालू का उपयोग किया है और कोकोपीट का उपयोग किया है। और यहाँ फिश टैंक से प्लांट ट्रे में, प्लांट ट्रे से फिश टैंक में पानी के प्रवाह को रेगुलेट करने के लिए एक मोटर का उपयोग किया है और एक पाइप का उपयोग किया है। यहाँ से पानी प्लांट ट्रे, फिश टैंक का पानी प्लांट ट्रे में जा रहा है और प्लांट ट्रे का पानी इस होल से फिश टैंक में जा रहा है बायोफिल्टर होकर। इस तरह से हमारा एक्वापॉनिक फार्मिंग का मॉडल तैयार हुआ है। हमारा एक्वापॉनिक फार्मिंग का मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित है कि मछली के मल युक्त जल में अमोनिया प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो प्लांट बेड में नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया उसे नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, जिससे हमारा पौधा हरा भरा और पोषक तत्व प्रचुर होता है। इसमें किसी प्रकार का कीटनाशक या रसायन या कीटनाशक का प्रयोग नहीं होने से यह खेती की पत्ती हमारे लिए बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यह ऑर्गेनिक खेती है। इस प्रकार का मॉडल घरेलू स्तर से व्यावसायिक स्तर तक किया जा सकता है। यह घरेलू स्तर पर हम अपने परिवार के लिए प्रोटीन युक्त मछली, विटामिन मिनरल्स युक्त सब्जी, पालक, मेथी, धनिया या कोई भी सलाद उगा सकते हैं। साथ ही भिन्न भिन्न अनुपयोगी बर्तनों का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे मिठाई का डब्बा, कप, बोतल। और हम लोग जो किसी भी फंक्शन में जो हम लोग बुके वगैरह देते हैं, उस वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और हम अगर हम लोग इसे उपयोग करते हैं तो ये हमारे चीप एंड बेस्ट होगा। अतः हमारा मॉडल इस तरह से जो प्लास्टिकी संतुलन में सहायक है, साथ ही हमारा मॉडल प्लास्टिकी संतुलन में पर्यावरण को अनुकूलित में अहम भूमिका निभाती है। जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और इसमें 90% कम पानी का उपयोग होने से यह जल संरक्षण में काफी लाभदायक है। और इसे हम किसी भी चीजों में उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारा कचरा प्रबंधन में भी काफी सहायक है और यह खाद्य पूर्ति में भी सहायक है। इस तरह से हमारा मॉडल प्लास्टिकी संतुलन के साथ साथ पर्यावरण के भी दृष्टिकोण से काफी लाभदायक है।